हेलो, मैं उषा कंचन .com से। फ्रेंड्स, आज हम रेड चिली सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमने ये फ्रेश रेड चिलीज ली है, जो मैंने अच्छे से धोकर और बिल्कुल पानी इसका सुखाकर इसको चॉप कर लिया है। ये एक बावल रेड चिलीज है। 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया है, जो मैंने चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने हींग लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट, एज़ पर टेस्ट होना चाहिए। और 1/2 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है। अच्छा, विनेगर को हम और भी ले सकते हैं सॉस की कंसिस्टेंसी को देखते हुए। तो अभी हमने पैन चढ़ाया है गैस के ऊपर, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा गर्म हो जाता है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। इसमें हींग डाल देंगे अभी हम, अदरक डाल देंगे, अदरक के पीसेस। और अब हम हमारी मिर्च डालेंगे, ये रेड चिलीज। गैस को स्लो कर देंगे। अभी हम इसे नमक डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाला मिर्च के ऊपर रेड चिली से लग जाए अच्छे से। गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। तो मसाला हमारे मिर्च पर अच्छे से लग गया है, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ग्राइंड करेंगे फिर। अब हम हमारा ये मसाला है, यानी ये रेड चिली है, वो ठंडी हो गई है, और हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए हम जार में डाल देते हैं। अब ये विनेगर 4 टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं, और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हमने ग्राइंड किया है, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर और डालेंगे। पानी इसके अंदर हमें नहीं डालना है, और हम इसको फिर से एक बार ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा रेड चिल्ली सॉस बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें डार्क कलर लाना है तो आप रेड फूड कलर 1 या 2 पिंच इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेड चिली सॉस ड्राइड रेड चिली से भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा जो स्वीट रेड चिली से वीडियो बना है उसको देखना होगा। उसमें रेड चिली सॉस में आपको सिर्फ शुगर अवॉइड करना है, और बाकी सेम रेसिपी वैसे ही रहेगी जैसी उस वीडियो में दी गई है। तो आपको मेरी ये रेड चिली सॉस की रेसिपी कैसी लगी? और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं
ushakanchan.com पे। थैंक यू।